हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स और हिंदी मीडियम, जो हमारा हिंदी मीडियम का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम जो सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं उसका तीसरा पार्ट। हमने दो पार्ट पढ़ा है, दो पार्ट में हम उसके बेसिक फंडामेंटल और गति के समीकरण ये सब डेरिवेशन किया है। अब इसमें आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली आज का मेरा जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली फोकस रहेगा आपेक्षिक वेग पर, रिलेटिव वेलोसिटी पर। और रिलेटिव वेलोसिटी से नीट में और आईआईटी जेई में बहुत से न्यूमेरिकल्स कवर होते हैं, तो ये बेसिक फंडामेंटल आप ध्यान से समझिए। आपेक्षिक वेग से पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक और ग्राफ। पीछे के वीडियो में आप लोगों ने बहुत से ग्राफ पढ़े हैं, लेकिन वो सभी ग्राफ एक समान गति के लिए था। अब आज हम पढ़ते हैं पहले असमान गति के लिए ग्राफ, असमान गति पर ग्राफ लिख देता हूं मैं, ठीक है। असमान गति पर हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति का मैंने क्या परिभाषा आपको बताया, आप पीछे के वीडियो में आपने पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा। असमान गति का मतलब होता है यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, मतलब उसका वेग लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पर जो हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं वो ग्राफ है वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, जिसको हम कह सकते हैं वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और गति है क्या, असमान गति। तो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रा करें इस तरह से, तो दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु। और एक्स अक्ष में हमने किसको लिया है, समय को लिया है, ये समय एक्स एक्सिस में लिया है। टाइम को, टाइम का भी अपन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि कौन कौन सा टाइम लिया है। समय को एक्स अक्ष में लिया है और वेग को लिया है वाई एक्सिस में, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए कि मान लो ये समय टी है, टी समय है, और टी समय पर मान लो पिंड के वेग को हमने ये माना, सपोज वी टी। वी टी का मतलब टी समय पर पिंड का वेग। अब समय परिवर्तित हो गया और कितना हो गया, टी डेस। समय कंटिन्यूअस आगे बढ़ता है और टी से समय टी डेस हो गया और उस समय वेग। अब देखिए हमारी गति क्या है, असमान गति है। पीछे के ग्राफ में समान गति में आपने देखा कि वेग कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर वेग परिवर्तित है और सपोज उसमें त्वरण हो रहा है, तो त्वरण होने से क्या होगा, वेग में वृद्धि हो जाएगी। तो सपोज ये इसका टी डेस समय पर इसका वेग है वी टी डेस, क्लियर। टी समय पर पिंड का वेग वी टी है और टी डेस समय पर पिंड का वेग क्या है, वी टी डेस है। इस लाइन को हम मिला देते हैं तो ये जो ग्राफ का हमको ढाल मिलता है ये यहाँ पर वेग का, वेग परिवर्तन का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को हम कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पर लम डाल दिए, ये लम डाल दिए, इसके नाम लिख देते हैं। सपोज इस बिंदु का नाम हमने ले लिया ए, ये बिंदु हमने ले लिया सपोज बी, ये ले लिया सपोज ए डेस और इस बिंदु को ले लिया सपोज बी डेस, क्लियर। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक रचना करते हैं, ये ए डेस से हम बी बी डेस पर क्या करते हैं, एक लम डालते हैं। ये हमने लम डाला ए डेस सी, ये ए डेस सी क्या है, यहाँ पर लम है। अब इस ग्राफ में आप देखिए, ग्राफ में जो जो हमने एक्सप्लेन किया है वो सबको यहाँ पर हम लिस्टिंग कर देते हैं कि कौन कौन सी दूरियां क्या है। तो ग्राफ में आप देखो ये जो ओ बी है, ओ बी किसके बराबर है, टी डेस के बराबर है। ओ ए, ओ ए क्या है, टी है, इसलिए ये जो ए बी होगा वो क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर आप सीधा देयर फॉर लिखिए,
देयरफॉर ए बी इक्वल टू ओ बी क्या है टी डैश माइनस टी, ये हमने ए बी निकाल लिया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ए ए डैश क्या है वी टी है, ए ए डैश बराबर वी टी है और बी बी डैश क्या है वी टी डैश है। और यदि हम बी डैश सी निकालना चाहें तो बी डैश सी बराबर आप चित्र में देखो बी बी डैश सी निकालेंगे तो बी बी डैश माइनस बी सी हो जाएगा, बी बी डैश बी बी डैश माइनस बी सी, क्लियर। देयरफॉर यहां पर आप देखो ये जो हमने ए ए डैश लिया है ए ए डैश बी सी के भी बराबर है क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं बी सी के लिख सकते हैं। दैट इक्वल यहाँ पर देखिए बी बी डैश क्या है वी टी डैश है वी टी डैश और माइनस ये क्या है बी सी किसके बराबर है वी टी के। तो बेसिकली हमने यहाँ पर दो चीज़ निकाल के रखा है जो हमारे काम का है, अभी आगे हम इसको यूज़ करेंगे। एक हमने निकाला है ए बी का वैल्यू, ये है ए बी, ये ए बी हमारा ए बी निकाल के रखे हैं और निकाले हैं यहाँ पर क्या बी डैश सी, ये बी डैश सी, ये है बी डैश सी। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ए बी जो है वो ए डैश सी के बराबर है, ये जो ए बी है जो हमने निकाला है वो ऑलरेडी और किसके इक्वल है यहाँ पर वो किसके बराबर है ए सी के बराबर है। यहाँ चित्र में आप देखिए ए बी और ए डैश सी ये आमने सामने की भुजा है और ये हमको काम आना है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है देखिए ग्राफ ड्रा करने के बाद सबसे पहले आपको इसका लिस्टिंग करना है कि कौन कौन सी दूरी क्या है, यदि ये चीज़ आप प्रॉपर नहीं लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्लियर। अब इसमें दो गणना हमको करना है, पहला जो हम इसमें गणना करेंगे फर्स्ट नंबर का वो गणना है त्वरण की गणना, हम सबसे पहले त्वरण की गणना करेंगे एक्सेलरेशन का। तो हमको पता है त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटे क्या होता है समय, त्वरण ए बराबर दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू वेग परिवर्तन माने अंतिम वेग वी टी डैश, क्योंकि टी डैश समय पर पिंड का वेग क्या है वी टी डैश है, और माइनस प्रारंभिक वेग वी टी और समय अंतराल क्या है अंतिम समय ऋण प्रारंभिक समय, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो समय है, एक ये फाइनल टाइम है ये इनिशियल टाइम है, ये दोनों का मान भर दिए। दैट इंप्लाइज ए इक्वल अब वी टी डैश माइनस वी टी, आप ग्राफ में देखो यहाँ पर जो मैं निकाल के रखा हूँ वी टी डैश माइनस वी टी जो कि किसके बराबर है बी डैश सी के बराबर है, तो हो जाएगा बी डैश सी अपॉन टी डैश माइनस टी, ये जो टी डैश माइनस टी है उसको हम निकाल कर रखें किसके बराबर ए डैश सी के बराबर, ए डैश सी के बराबर। दैट इम्प्लाइज ए बराबर अब आप ग्राफ में देखो बी डैश सी क्या है, ये है ये बी डैश सी है और ए डैश सी ये है, यदि हम इस कोण को थीटा मान लें तो यहाँ पर देखो लंब बटे आधार जो कि क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं अपन टेन थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार से पता चलता है कि त्वरण का जो मान होता है यदि हम असमान गति करने वाले पिंड के वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचें तो उस पिंड का जो त्वरण होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है और इसको हम क्या कहते हैं ग्राफ का ढाल कहते हैं या ग्राफ की प्रवणता कहते हैं और इंग्लिश में इसको ग्रेडियंट कहते हैं, इतने नाम से इसको जाना जाता है ग्राफ का ग्रेडियंट कहलाता है प्रवणता कहलाता है, क्लियर। तो ये ग्राफ का ढाल है, ये ढाल है और टेन थीटा को हम क्या कहते हैं उसका प्रवणता कहते हैं। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला आपको कई जगह काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, गति के समीकरण को हमने प्रूफ किया तो इसका यूज़ किया था, हालांकि हमने ग्राफ को वहाँ पर बाद में पढ़ा रहे हैं लेकिन हम उस फार्मूला को यूज़ किए थे। इसके बाद सेकंड नंबर का इसमें जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है, दूसरा गणना जो है वो है विस्थापन की गणना। इसका विस्थापन का गणना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि विस्थापन का हम किस प्रकार से गणना करेंगे। तो विस्थापन एस, विस्थापन को हम एस से प्रदर्शित करते हैं और मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो ग्राफ है या हम इसको ऐसा ना लिख के
सबसे पहले मैं आपको इस तरह से प्रूफ करते हैं, ठीक है। ग्राफ का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ग्राफ में घिरा क्षेत्रफल बराबर, ग्राफ में घिरा हुआ क्षेत्रफल माने ग्राफ में जो टोटल क्षेत्रफल घिरा हुआ है, ऐसा आपने पहले मेरे पहले के वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पर दो प्रकार का क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है, ये जो मैं ब्लू कलर से शेडेड किया जो कि त्रिभुज है, और दूसरा जो क्षेत्र है वो ये जो मैं यहाँ पर रेड इंक से शेडेड कर दिया ये। तो ये त्रिभुज और आयत जो कि दोनों मिलकर क्या बनाता है, समलंब चतुर्भुज। तो इसका गणना आप दो तरीके से कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकाल सकते हैं और आयत का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो पूरे को समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल करके भी निकाल सकते हैं। तो मैं वैसे निकाल रहा हूँ जो कि आसान होगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं समलंब चतुर्भुज, नाम क्या है देखिए, ए एडेस ए एडेस बी डैश बी का क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको पता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटे दो दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। दो समानांतर भुजा कौन कौन सा है, ए ए डैश और बी बी डैश। तो ये हो जाएगा ए ए डैश प्लस बी बी डैश और इनटू दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो कि क्या है, ए बी है। ऐसा आपने हमारा यदि पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो ये गणना इस तरीके से हम गति के समीकरण का ग्राफी विधि में पढ़ चुके हैं, एक तरह से रिवीजन है उसका। दैट इक्वल ये हो जाएगा 1/2 और ए ए डैश, यहाँ हमारे ग्राफ में देखिए ए ए डैश किसके बराबर है, वी टी के बराबर है, मतलब प्रारंभिक वेग, जिसको हमने वी टी पुट कर दिया। प्लस बी बी डैश क्या है देखिए, यहाँ पर बी बी डैश ग्राफ में, इसीलिए मैं ये चार्ट बनाने आपको बोला, ये चार्ट बना रहेगा तो फटाफट वहाँ पर वैल्यू आप पुट करेंगे। तो वी टी डैश किसके बराबर है, बी बी डैश के बराबर, वी टी डैश के बराबर है, ये हो गया वी टी डैश, और इनटू ए बी किसके बराबर है, आप यहाँ पर देखिए ए बी जो है टी डैश माइनस टी के बराबर, ये हम निकाल कर रखें ए बी टी डैश माइनस टी, टी डैश माइनस टी इस तरह से। दैट इक्वल, अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो 1/2, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान देना, ये प्रारंभिक वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, और हमको पता है कि प्रारंभिक वेग जो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये आपको पता है प्रारंभिक वेग v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ प्रारंभिक वेग u होता है और अंतिम वेग, या अंतिम वेग को हम बता देते हैं ज़्यादा आसान है, चलिए छोड़िए ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, अंतिम वेग, ये अंतिम वेग है जो कि अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग धन त्वरण गुणित समय होता है। यदि हम इस फार्मूला को यूज़ करें तो यहाँ पर देखिए ये तो प्रारंभिक वेग है ऑलरेडी, तो वी टी लिख दिया, और प्लस इसका जो वैल्यू है इसके बेस पर कैसे चेंज किया जा सकता है, यू माने प्रारंभिक वेग माने हो गया वी टी, और प्लस ए मतलब त्वरण, और टाइम मतलब टाइम का डिफरेंस, ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तो टाइम कितना हो जाएगा टी डैश माइनस टी, और ये है टी डैश माइनस टी इस तरह से, क्लियर। तो ये यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये जो स्टेप मैं लिखा हूँ वो एक्चुअल में कहाँ है, मैं यहाँ पर रेड इंक से आपके समझने के लिए लिख देता हूँ, इसको आप उसमें नहीं लिखेंगे एग्जाम में, ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी से लिखा गया है, ये अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग धन त्वरण गुणित समय अंतराल। तो वो जो मैं रेडिंग से यहाँ पर लिखा वो फार्मूला का रेफरेंस है कि किस तरह से लिखा गया है। आगे हम इसको सॉल्व करें तो 1/2, अब यहाँ पर आप देखो ये वी टी और वी टी दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2 VT हो जाएगा, तो हो गया 2 VT और प्लस ए टी डैश माइनस टी, और ब्रैकेट के बाहर है टी डैश माइनस टी। दैट इक्वल, अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वी टी इंटू टी डैश माइनस टी, और प्लस 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 1/2 ए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा टी डैश माइनस टी का होल स्क्वायर।
अब आप इस फार्मूला को बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो लिखा है ये है क्या, ये प्रारंभिक वेग है, रेडिंग से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि क्या है वो u, ये समय है मतलब t, प्लस ये 1/2 इंटू ए और ये टाइम है टी स्क्वेयर। अब आप समझ गए होंगे कि यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, विस्थापन होता है। तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ पर हमने प्रूफ किया कि ग्राफ में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वह पिंड के विस्थापन के बराबर होता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए असमान गति में यदि वेग और समय के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, ग्राफ में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वह पिंड के विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, तो ग्राफ में घिरा हुआ क्षेत्र पिंड के विस्थापन के बराबर होता है। और एक फार्मूला हमने डिराइव किया कि इसका जो त्वरण होता है वह टेन थीटा के बराबर होता है, जो कि उसकी प्रवणता या ग्राफ का ढाल कहलाता है। तो ये एक ग्राफ है और कुछ ग्राफ मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे। तो ये ग्राफ यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो मैं स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था, वो है आपेक्षिक वेग, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आपेक्षिक वेग। देखिए, जो हमारे इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो से देख रहे हैं उनको ध्यान होगा कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो आपको बोला कि 11th क्लास के स्टार्टिंग में ये जो मैकेनिक्स का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही आपका बेस है फिजिक्स का, यही आपका आगे कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करने का बेस है। ये पोर्शन किसी भी हालत में आपका पुअर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पोर्शन यदि पुअर हो गया तो बहुत सारा आगे का पोर्शन उसको प्रभावित करेगा और क्वेश्चन कवर भी बहुत होता है। मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जब आपको इस चैप्टर का, तो आप ध्यान देना कि जो कुछ भी कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ वो टोटल यूज़ होगा। और यदि आपको अच्छे से क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स आपको आसानी से बनेगा। देखो, न्यूमेरिकल कभी डिफिकल्ट नहीं होता यदि चैप्टर समझ में आया है, और चैप्टर समझ में नहीं आया है तब तो न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपेक्षिक वेग। कंप्लीटली मैं इसको आपको आपेक्षिक वेग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आपेक्षिक वेग। अब यहां पर हम सबसे पहले समझें कि भाई आपेक्षिक वेग का मतलब क्या होता है, आपेक्षिक वेग है क्या। आपेक्षिक वेग का मतलब होता है किसी से कंपेयर करना। मैंने जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया तो बताया था कि हम किसी भी पिंड को गतिशील पिंड तभी कह पाते हैं जब हम उसका किसी स्थिर पिंड के साथ में तुलना करते हैं। तो आपेक्षिक शब्द का ही मतलब होता है किसी से कंपेयर करना, किसी से तुलना करना। तो यहाँ पर बहुत से हम कंडीशन पर डिस्कस करेंगे कि गतिशील पिंड के सापेक्ष उसका गति क्या हो सकता है, स्थिर के सापेक्ष उसका गति क्या हो सकता है। तो आपेक्षिक गति का मतलब ही होता है कि किसी एक पिंड का किसी दूसरे पिंड, अब दूसरा पिंड स्थिर भी हो सकता है गतिशील भी हो सकता है, आगे मैं समझाऊंगा उसको आपको। तो एक पिंड का किसी दूसरे पिंड के साथ तुलना करें तो वो उसका आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक गति, आपेक्षिक चाल जो भी कहलाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेके समझाना चाहता हूँ कि जो आपके अप्रोच में है, अप्रोच में मतलब जिसको आप हर कोई अपने डेली लाइफ में अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं दो ट्रेन का एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन तो हमारे बहुत अप्रोच का है और उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि सपोज ये ए एक ट्रेन है ए, और एक दूसरी ट्रेन मैं लिया बी, दोनों अलग अलग प्लेटफार्म में खड़े हैं। देखिए, ये अलग प्लेट अलग स्टेशन पर है, ये अलग अलग प्लेटफार्म नहीं स्टेशन, उनका जगह ही अलग अलग है। क्लियर, तो दो डिफरेंट डिफरेंट सिटी में ये खड़े हुए हैं। अब सपोज इसको हमने इस डायरेक्शन में वी ए वेलोसिटी से मोशन कराया, और बी ट्रेन को भी हमने सेम डायरेक्शन में, यहाँ डायरेक्शन दोनों का सेम है ध्यान रखना, ठीक है। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं आपेक्षिक वेग,
वो वन डायमेंशन है, एक विमी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका दो टॉपिक होता है, एक विमी और द्विविमी। एक विमी है मतलब वन डायमेंशन, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। अब सपोज इसका जो इनिशियल पोजीशन है, जो शुरुआत में उसका पोजीशन है, वह है एक्स जीरो, क्योंकि हम क्या है प्रारंभिक स्थिति को जीरो से प्रदर्शित करते हैं। और इसका है सपोज एक्स डैश जीरो, इसको हमने डैश रिप्रेजेंट किया। अब समय सपोज ये दोनों गति किए कितने समय तक, टी समय तक, दोनों टी समय तक गति किए, और सपोज टी समय बाद ये ट्रेन यहाँ पहुँच गया, और टी समय तक ये भी गति किया, और इस ट्रेन का पोजीशन सपोज ये है, सॉरी ये ए है ना, ए। और अब इसका पोजीशन है सपोज एक्स टी, और इसका पोजीशन है सपोज एक्स टी डैश। तो मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। मैं आपको बताया कि पहले ट्रेन का प्रारंभिक स्थिति एक्स टी है, और पहले ट्रेन का टी समय पश्चात स्थिति एक्स टी है, ये एक्स जीरो है। दूसरे ट्रेन का प्रारंभिक स्थिति एक्स डैश जीरो है, और दूसरे का टी समय पश्चात एक्स टी, अलग अलग स्टेशन में फिर जाके वो खड़े हैं। ये मैं कंपेरेटिव बताया, और इसका वेलोसिटी वी ये है, इसका वेलोसिटी वी भी है। तो यहाँ पर हम लिखे ए का बी के सापेक्ष वेग। यदि हम ए का बी के सापेक्ष वेग लिखना चाहें, किसका वेग है ए का, ये ध्यान रखना, और कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से, क्योंकि ए का बी के सापेक्ष वेग और बी का ए के सापेक्ष वेग अलग अलग होगा। तो ए का बी के सापेक्ष वेग जिसको हम प्रदर्शित कर दिए वी ए बी से, आप संकेतों को ध्यान से समझना, वी ए बी को प्रदर्शित करेंगे हम ए का बी के सापेक्ष वेग से, और ये होता है वी ए माइनस वी बी। कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका वेग निकाला जाएगा उसमें से जिसके सापेक्ष वेग निकाला जाएगा उसको माइनस करना है। सपोज यहाँ पर मैं लिखता बी का ए के सापेक्ष वेग, तो इसको वी बी ए लिखता, और ये लिखता वी बी माइनस वी ए, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। दैट इक्वल, अब यदि हम वी ए का वेग लिखना चाहें तो वी ए क्या हो जाएगा, वेग मतलब स्थिति परिवर्तन बटे समय। तो पहले ट्रेन की बात करें तो फाइनल स्थिति क्या है, एक्स टी है, ये हमने लिख दिया एक्स टी, और प्रारंभिक स्थिति क्या है एक्स नॉट, ये एक्स नॉट लिख दिया, और अपॉन टाइम ये हो गया वी ए का मान। माइनस हम वी बी लिखना चाहें तो जाएगा एक्स डैश टी माइनस एक्स डैश नॉट अपॉन समय, तो दोनों का समान है, ये टी हो गया, क्लियर। तो ये जो मैंने लिखा है वी ए का मान है स्थिति परिवर्तन बटे समय, और ये दूसरे ट्रेन का वेग है स्थिति परिवर्तन बटे समय। दैट इक्वल, यदि हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर हम लघुत्तम निकाल लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा, टी आएगा, और चूंकि दोनों का हर समान है तो वैल्यू उसको लिख देते हैं अपन, एक्स टी माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स डैश टी, और माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस एक्स नॉट जीरो, ये हो जाएगा। अब आगे इसको और हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो किस तरह से सरल कर सकते हैं, देखो, देयरफॉर वी ए बी इक्वल टी, तो दोनों का एलसीएम है। अब हम यहाँ पर पेयर बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं हम किसका किसके साथ में, ये टी का टी के साथ में पेयर बना लेते हैं इसके साथ में, और जीरो वाले का जीरो वाले के साथ पेयर बना लेते हैं। तो इन दोनों को मैं एक साथ यदि लिखूँ तो एक्स टी माइनस एक्स डैश टी हो जाएगा, या इसको जीरो को पहले लिख देता हूँ तो एक्स डैश टी माइनस ये एक्स डैश जीरो, सॉरी एक्स डैश जीरो माइनस, खैर यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन मैं अंतिम स्थिति को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स टी माइनस एक्स डैश टी, ये दोनों, और इसमें से मैं माइनस कॉमन कर रहा हूँ इन दोनों से, सामने माइनस का चिन्ह है, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया और माइनस को मैं कॉमन कर लिया, तो माइनस कॉमन करने से ये प्लस हो जाएगा, ये वाला पोर्शन प्लस हो जाएगा, और वो हो जाएगा एक्स नॉट, वो माइनस हो जाएगा एक्स डैश नॉट। ऐसा मैं क्यों किया आगे इसको, क्योंकि मैं शब्दों में लिखना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो आप यहाँ पर समझेंगे, देखिए दैट इक्वल एक्स टी माइनस एक्स डैश टी, आप मैं जो चित्र बनाए हैं वहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक्स डैश टी पोजिशन है और ये एक्स टी पोजिशन है, और ये जो बीच में आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये, तो वास्तव में ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, वही क्या है
एक्स टी माइनस एक्स डैश टी है। कहने का मतलब दोनों ट्रेन का अंतिम स्थिति में विस्थापन। सपोज एक ट्रेन कहीं और खड़ी है, एक ट्रेन कहीं दूसरे जगह में खड़ी है, तो दोनों के बीच का जो विस्थापन है वो क्या कहलाएगा, एक्स टी माइनस एक्स, मतलब ये अंतिम विस्थापन। यदि इसको मैं शब्दों में कहूँ तो इसको हम क्या सकते हैं, अंतिम विस्थापन, अंतिम विस्थापन ऋण। ये क्या है, प्रारंभिक विस्थापन। मतलब जब वो चलना स्टार्ट किए थे उसके पहले का विस्थापन। चित्र में आप देख लो, ये है पहले का विस्थापन, ये और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये है एक्स नॉट माइनस एक्स डैश नॉट। तो कुल मिला के यहाँ पर हमको क्या पता चला कि यदि दो ट्रेन दो अलग अलग पोजीशन से चलना शुरू करें तो जब वो चलना स्टार्ट करेंगे तो उनके बीच की जो दूरी रहेगी वो प्रारंभिक विस्थापन कहलाएगा। और दोनों ने समान समय तक दूरी तय किया तो समान समय तक दूरी तय करने के बाद यदि दोनों फिर अलग अलग स्टेशन में पहुँचे हैं तो उन दोनों स्टेशन की जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगा, अंतिम विस्थापन होगा। और तो अंतिम विस्थापन में प्रारंभिक विस्थापन को घटा दें और उसमें हम क्या करें, समय का भाग दे दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एक ट्रेन का दूसरे ट्रेन के सापेक्ष क्या मिल जाएगा, आपेक्षिक वेग मिल जाएगा। तो ये मैं आपको बताया आपेक्षिक वेग का फार्मूला। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पर कंडीशन, मतलब इसके चार कंडीशन हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि इनके साथ कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंडीशन बने तो उसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर कि यदि उसके कंडीशंस अलग अलग हों तो कैसे होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके स्पेशल केस आपको पढ़ा रहा हूँ, विशेष स्थिति जो कि कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशल केस। स्पेशल केस में फर्स्ट पहले फार्मूला को लिख लें। अभी हमने पढ़ा है वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो केस नंबर फर्स्ट केस को हम देखें इसमें क्या होता है। तो सपोज हम यहां पर इमेजिन करें कि वी ए बड़ा है वी बी से, मतलब इस पिंड का या इस वाहन का वेग इस वाहन के वेग से बड़ा है, तो उस कंडीशन में आप देखो देन तब आप देखो ये इससे बड़ा हो तो वी ए बी का जो मान होगा, क्योंकि ये इससे बड़ा है तो मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि बड़े राशि में छोटे को घटाएंगे तो धनात्मक मान आएगा, तो ये आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी पिंड का वेग किसी दूसरे पिंड के वेग से अधिक है तो आपेक्षिक वेग धनात्मक आएगा, और धनात्मक आपेक्षिक वेग का मतलब यह है कि एक बार ओवरटेकिंग होगा, एक बार ओवरटेक करेगा। अब ओवरटेक को हिंदी में क्या कहेंगे मेरे समझ नहीं आ रहा है, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। ओवरटेकिंग आप सब समझते हैं, ओवरटेक का मतलब समझते हैं पीछे से। जैसे सपोज मैं कार से जा रहा हूँ और मेरे सामने कोई दूसरा कार वाला है तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा के उससे आगे निकलता हूँ, ओवरटेक कहलाता है, सबको पता है। तो ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि यदि किसी पिंड का आपेक्षिक वेग धनात्मक है तो वह उसको ओवरटेक करेगा, ओवरटेक नहीं कर पाएगा, एक बार ओवरटेक करेगा, बार बार ओवरटेक करेगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना, और इसका और कई कंडीशन है न्यूमेरिकल्स में आपको समझाऊंगा मैं। तो यदि आपेक्षिक वेग धनात्मक हो तो वो क्या करेगा, एक बार ओवरटेक करेगा। सेकंड केस में देखो, केस नंबर सेकंड यहां पर हम देखते हैं कि सपोज इफ वी ए छोटा है किसे, वी बी से, ये छोटा है तो उस कंडीशन में देन यदि ये छोटा हो जाए इससे तो वी ए बी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मेरे सामने की गाड़ी का स्पीड मेरे स्पीड से ज़्यादा है, उसके सापेक्ष अपना अपेक्षित वेग निकालना चाहता हूँ, तो ऋणात्मक आ जाएगा, क्योंकि सपोज वो 70 किलोमीटर की स्पीड से हमें 50 किलोमीटर, मैं तो उसको ओवरटेक नहीं कर पाऊंगा। तो कभी भी जब निगेटिव, जब ऋणात्मक अपेक्षित वेग आता है तो उसमें क्या होता है, ओवरटेकिंग नहीं होगा, नेवर ओवरटेकिंग, कभी भी ओवरटेक नहीं होगा। ये सेकंड केस है। ये दोनों केस तो बहुत सामान्य केस हैं। अब जो केस बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स बहुत है ना, इस पर बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ। केस नंबर थर्ड, इफ वी ए इक्वल टू वी बी, मतलब दोनों का वेग बराबर है। अब देखो, जब दोनों का वेग बराबर है तो उस कंडीशन में वी ए बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वी ए वी बी के बराबर है, दोनों कट जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, पिंड ए का जो अपेक्षित वेग है बी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये कैसी स्थिति है कि सपोज ये कोई पिंड है, ये दूसरा पिंड है, और वी ए है इसका स्पीड, वी बी इसका है, दोनों एक ही दिशा में एक ही वेग से गति करते रहेंगे तो दोनों पिंड एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर रहेंगे। आप कल्पना कीजिए कि सपोज आप एक ट्रेन से जा रहे हैं और आप विंडो के पास बैठे हैं और बगल से दूसरी ट्रेन आपकी ही दिशा में जा रही है, उसके विंडो के पास भी कोई बैठा है, और दोनों यदि एक ही दिशा में समान वेग से गति कर रहे हैं तो कितनी भी दूरी आप तय कर लीजिए, दोनों आप एक दूसरे के सीध में ही बने रहेंगे। ये आप देखिए, फिजिक्स कम्प्लीटली इमेजिनेशन पर बेस्ड सब्जेक्ट है। आप परिस्थितियों को जितना अच्छे से कल्पना कर पाएंगे, चीज़ों को बहुत जल्दी आप दिमाग में विजुलाइज कर पाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, आप उतना ही तेजी से उसको समझ सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि दो पिंड यदि एक ही दिशा में एक ही वेग से गति करें तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। देखो, गतिशील होने के बाद भी स्थिर है एक दूसरे के सापेक्ष, यही है रिलेटिव वेलोसिटी का खासियत, गतिशील दोनों हैं। यदि हम इसकी बात करें तो वो रोड किनारे के खंभे या बिल्डिंग या पेड़ के सापेक्ष दोनों गतिशील हैं, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, वो स्थिर हैं, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन वो कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सब कंडीशन को आपको समझना है कि कब गतिशील है, कब क्या है, कब स्थिर है। क्लियर? अब थर्ड नंबर का जो केस है, आप देखो के फोर्थ सॉरी केस नंबर फोर, यदि वी ए इक्वल टू माइनस वी बी हो, ये बहुत ही स्पेशल केस है, वी ए इक्वल टू माइनस वी बी, या वी बी का जो वेलोसिटी है, सपोज वी बी को ही बोला, वी बी माइनस वी बी हो गया, मतलब उसकी क्या हो गई, विपरीत दिशा, यहाँ पर उसकी दिशा विपरीत हो गई। कहने का मतलब इसका डायरेक्शन वी ए इधर है और वी बी का डायरेक्शन इधर है, विपरीत दिशा में, दोनों आमने सामने से, मतलब दो ट्रेन एक दूसरे को आमने सामने से क्रॉस कर रही है, क्रॉसिंग कर रही है। उस कंडीशन में हम इसे कंडीशन को अप्लाई कर दें इस फार्मूला पर तो क्या हो जाएगा, देखो वी ए बी इक्वल, ये तो वी ए हो गया, और माइनस इसका मान भरेंगे हम माइनस वी बी, दैट इक्वल वी ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वी ए प्लस वी बी। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखो वी ए प्लस वी बी, तो वी ए प्लस वी बी का कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है दोनों का वेग जुड़ गया, माने यदि इसकी स्पीड 60 किलोमीटर हो, इसकी 40 है, तो अपेक्षित वेग 100 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब यदि दो पिंड एक दूसरे को आमने सामने से क्रॉस करें तो उसका जो अपेक्षित वेग होता है वो दोनों के योगफल के बराबर होता है, तो दोनों का वेग जुड़ जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि सपोज हम ट्रेन से कहीं जा रहे हों और हमारे बगल से कोई दूसरी ट्रेन जब गुजरती है अपोजिट डायरेक्शन में, हम इधर जा रहे हैं और दूसरी इधर जा रही है, तो जितने देर तक वो ट्रेन हमारे बगल से गुजरती है तो ऐसा हमको आभास होता है कि हमारी ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, हमको ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन तेज चलने लगी, और जैसे ही ये ट्रेन पार होता है तो फिर हमको लगता है कि हमारी स्पीड पहले जैसे हो गई। वो क्यों ऐसा महसूस होता है, क्योंकि उस ट्रेन के पार करते तक, जब तक वो ट्रेन हमारे बगल से गुजरती है तब तक उसका अपेक्षित वेग दोनों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर? ये है थर्ड केस। और केस नंबर फोर्थ, केस नंबर फिफ्थ, ये बहुत ही स्पेशल केस है जिसको आप रेलवे प्लेटफॉर्म में महसूस किए होंगे, वो है सपोज
वी बी इक्वल टू जीरो या वी ए इक्वल टू जीरो। आप जिस ट्रेन में बैठे, किसी को भी जीरो सपोज कर लेते हैं, सपोज आप जिस ट्रेन में बैठे हैं ए ट्रेन में, वो रुकी हुई है, रेस्ट है, तो देन उस कंडीशन में वी ए बी इक्वल टू, आप यहाँ पर देखो, यदि हम इसको जीरो कर दें तो वी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी बी हो जाएगा, क्योंकि इसको आप जीरो करोगे तो ये तो बचेगा, ये हो जाएगा। अब ये क्या प्रदर्शित करता है कि यदि कोई ट्रेन स्थिर है लेकिन दूसरी ट्रेन गतिशील है बगल वाली, तब भी हमारी ट्रेन का जो वेग है वो अपेक्षित वेग है वो शून्य नहीं होता, बल्कि उस ट्रेन के वेग के बराबर होता है जिससे हम उसकी तुलना करते हैं, और दिशा होता है ऋणात्मक, क्योंकि ऋण चिन्ह बताता है यहाँ पर विपरीत दिशा को। अब ये अजीब बात लगता है कि हम रेस्ट में हैं उसके बाद भी हम दूसरे ट्रेन के सापेक्ष अपने आप को गतिशील कैसे मान सकते हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कभी अपने यात्रा के दौरान ऐसा महसूस किया होगा कि हम किसी रेलवे प्लेटफार्म में हमारी ट्रेन खड़ी है और हम उस खड़ी ट्रेन में बैठे हैं, जैसे ही बगल की ट्रेन चलनी स्टार्ट होती है तो हमको धोखा हो जाता है, हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन चलने लगी, फिर हम रेलवे प्लेटफार्म की तरफ देखते हैं तो हमको पता चलता है अरे हमारी ट्रेन तो रुकी हुई है, तो फिर हमारे रेस्ट ट्रेन, हमारी रुकी हुई ट्रेन के बावजूद हमको गति का एहसास क्यों हुआ, क्योंकि जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो गतिशील है। देखो अपेक्षित वेग कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना, ये तो मैं केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इस पर जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो न्यूमेरिकल्स की इतनी वेराइटी है इस टॉपिक पर, इतने अच्छे, इतने इंजॉय करके मजे लेके पढ़ने वाले न्यूमेरिकल्स हैं इसमें कि आपको बहुत मजा आएगा, और इम्पॉर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट यदि प्रॉपर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फोर्थ फिफ्थ कंडीशन में बताया कि आप स्थिर ट्रेन में रह के भी गति का महसूस, और ऋण चिन्ह क्या बता रहा है, उसकी दिशा को बता रहा है, जैसे आपने महसूस किया होगा कि हमारी ट्रेन खड़ी है और बगल की ट्रेन इधर चलने लगी तो हमको लगता है कि हम आगे बढ़ने लगे, और ट्रेन उधर जा रही तो हमको लगता है हमारी ट्रेन पीछे चलने लगी, क्योंकि ऋण चिन्ह बताता है कि हम उस ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए लगेंगे। तो ये अपेक्षित वेग का मैंने फाइव कंडीशन बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया हमारा अपेक्षित वेग का एक विमी वन डायमेंशन। अब है यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसका टू डायमेंशन द्विविमी, वो कैसा होता है देखिए। टू डायमेंशन में अभी तक हमने सभी केस में क्या पढ़ा कि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में अगल बगल के पटरी में मोशन कर रहे हैं, लेकिन आप सपोज करो कि अब क्या है, दोनों ट्रेन अलग अलग डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, तब हम दोनों का तुलना कैसे करेंगे। हाँ, दोनों अगल बगल थे, आमने सामने क्रॉस हो रहे थे या एक दूसरे के पीछे से कार पार हो रहे थे। अब हम पढ़ेंगे द्विविमी गति, द्विविमी गति टू डायमेंशन बोलते हैं, टू डायमेंशन में मतलब, यहाँ पर एक मैं चित्र बता दूँ आपको समझ में आएगा। देखिए सपोज ये एक ट्रेन की दिशा है गति की, ये वी ए, ए ट्रेन की गति की दिशा ये है, और दूसरी ट्रेन की दिशा सपोज ये है वी बी। अब यहाँ पर आप देखिए कि दोनों के बीच अलग अलग दिशा है, तो यहाँ पर यदि हमको अपेक्षित वेग को समझना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा सपोज कर लिया, तो इसके विपरीत दिशा में हम इसकी गति को लिखते हैं, ये वी ए माने माइनस वी ए, यहाँ पर चिन्ह केवल दिशा को बता रहे हैं, परिमाण उतना ही है, ये हमने ले लिया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे, क्लियर। ये समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं अपन यहाँ पर, ये हमने एक समांतर चतुर्भुज की रचना किया, और इसमें हम ये इसका विकर्ण है, ये तो ये जो विकर्ण है ये वी बी और वी ए दोनों का परिणामी प्रदर्शित करेगा, जिसको हमने ले लिया वी ए बी, यही अपार क्या है, ए और बी का अपेक्षित वेग है। अब यहाँ पर देखिए ये टोटल कितना है, टोटल पाई है 180 है, ये थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देना, हम समांतर चतुर्भुज का जो नियम पढ़े, देखिए मैं फिर आपको एक बार याद दिला रहा हूँ
कि 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने बहुत अनिवार्य हैं, जो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे समझ आएगा। वहाँ पर ये आपको सब मिलेगा सदिश वाले पार्ट में, सदिश का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बन गया। अब यहाँ पर हम यदि इसका आपेक्षिक वेग निकालें, इसलिए आपेक्षिक वेग VAB बराबर ये क्या है, इसके विकर्ण की दिशा है, और इसके लिए फार्मूला होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर मतलब क्या है, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस टू वी ए इंटू वी बी, और दोनों कॉस टू ए बी कॉस थीटा, तो दोनों के बीच का कोण कितना है यहाँ पर पाई माइनस थीटा। दैट इक्वल ये हो जाएगा रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, और कास 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कास थीटा, तो हो जाएगा माइनस टू वी ए इंटू वी बी कास थीटा। तो इस फार्मूला की सहायता से उसका अपेक्षिक वेग निकलेगा, या उसका परिणामी अपेक्षिक वेग कह सकते हैं अपन उसको, ये निकलेगा। और यदि हम इसकी क्या निकालना चाहें दिशा, तो दिशा निकालने का फार्मूला होता है टेन अल्फा। यहाँ पर अल्फा क्या है देखिए, इस चित्र में ये अल्फा होगा, मतलब परिणामी का उसके साथ बनाया गया कोण ये अल्फा है। तो टेन अल्फा निकालने का फार्मूला, फिर ये सब आपको सदिश वाले चैप्टर में मिलेगा। सदिश का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप यहाँ परेशान मत होंगे कि सर तो पढ़ा रहे हैं हमको समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से है। यदि इन चीज़ों को आपको समझना है तो गणितीय अवधारणा प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आप सदिश वाला पोर्शन वेक्टर, वहाँ पर आप लैंग्वेज के नाम से परेशान मत होना, क्योंकि मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश का मतलब नहीं, मैथ से है, उसको मैंने बाइलिंगुअल पढ़ाया है, आपको तो समझ में आएगा। वहाँ पर मैथ समझना है आपको, भाषा नहीं समझना है। तो टेन थीटा का, टेन अल्फा का वहाँ पर फार्मूला होता है बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए बी, बी मतलब क्या, यहाँ पर बी कौन है, वी बी, वी बी साइन पाई माइनस थीटा अपान वी ए प्लस वी बी कॉस पाई माइनस थीटा। देयर फोर टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा वी बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये सब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में मेरे मिलेगा, उसको आप जरूर देखिए, वो आपको स्ट्रांग कर, यदि आपको फिजिक्स स्ट्रांग करना है तो सारा काम छोड़ के, सब काम भूल के सिर्फ वो मेरे पांच वीडियो आप बार 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 देखिए। ये मैं इतना आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। यदि वो पांच वीडियो आपने स्ट्रांग कर लिया, जैसे मान लो मेरे को एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनाना है, मेरे को 10, 12, 13, 14 स्टोरी की बिल्डिंग बनाना है, तो पहला काम क्या करूँगा मैं, उतने डेप्थ का नींव डालूंगा। बुर्ज खलीफा जब बनाया गया तो उसके नींव को भी उतनी गहराई तक खोदा गया जितना ऊपर लेके जाना था, ये सामान्य सा कॉन्सेप्ट है। तो फिजिक्स को जितना हाइट तक आपको लेके जाना है उतने डेप्थ तक उसका नींव डालना पड़ेगा, जो कि मैथ्स है, इसलिए मैंने सबसे पहले मैथ्स का वीडियो बनाया, उसको आप देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से कमेंट्स लिखे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जानना जरूरी है, अभी तो बहुत जरूरत है, अभी तो स्टार्टिंग है आपके फिजिक्स का। तो वी बी साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा वी ए, और कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, यहाँ पर मैंने बताया, तो हो जाएगा माइनस वी बी कास थीटा। ये उसका डायरेक्शन निकालने का फार्मूला है, क्लियर। इस तरह से हम इसकी सहायता से उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये दो फार्मूला जो आप लिखे ये यहाँ पर, ये दोनों न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, और ये क्या है आपेक्षिक वेग का द्विविमी टू डायमेंशन में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा आपेक्षिक वेग का दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है इसके न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल पढ़ाते समय इसमें कुछ और मैं कंटेंट्स आपको दूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बेस्ड होंगे, अभी तो मैं कम्प्लीटली फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको फिर बताऊँगा इसके स्पेशल केसेस कि किस प्रकार से हम टू डायमेंशन में और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ आर्टिकल्स मैं आपको समझाऊंगा। अब इस चैप्टर का सरल रेखा में गति का जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है nवें सेकंड में चली गई दूरी।
एनवे सेकंड में चली गई दूरी। ये एक ऐसा टॉपिक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन एंथ सेकंड। एनवे का मतलब क्या हुआ? एनवे का मतलब एन नहीं हुआ, एनवे का मतलब होता है एक। कैसे? देखिए, जैसे मान लो ये कोई पथ है, मान लो मैं इसमें गति शुरू किया और एक सेकंड में यहाँ पहुँचा, दो सेकंड में यहाँ तक पहुँच गया, तीन सेकंड में यहाँ पहुँच गया, चार सेकंड में मैं यहाँ पहुँच गया, ए बी सी डी ई, चार सेकंड में यहाँ पहुँच गया। एक सेकंड में इतना, दो सेकंड में पूरा ए से सी तक, तीन सेकंड में यहाँ से यहाँ तक। अब मैं आपको यदि पूछूँ कि मैं चौथे सेकंड में, चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय किया, तो ए से ई होगा क्या? नहीं होगा। ए से ई तो चार सेकंड में चली गई दूरी, चार और चौथे में डिफरेंस है। चार का मतलब टोटल चार। यहाँ एक शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बात को आप समझो नहीं समझो उसको समझ में नहीं आएगा। चार का मतलब टोटल चार, और चौथा मतलब तीन और चार के बीच, चौथा, फोर्थ। वैसे यहाँ पर है एनवा, मतलब क्या मतलब होगा? एनवा का मतलब एन और एन माइनस वन के बीच, मतलब एक्चुअल में एनवा एक सेकंड है लेकिन दो के बीच है, एनवा और एन माइनस वन में के। जैसे चौथे सेकंड में चली गई दूरी है, चौथे सेकंड में, फोर्थ, लेकिन मेरे से पूछा है चार सेकंड में चली गई दूरी, तो चार सेकंड में चली गई दूरी पूरा यहाँ से यहाँ तक है। बात आज समझ में आ गई? चार सेकंड में चली गई दूरी यहाँ से यहाँ तक, चौथे में केवल है, चौथे मतलब बिटवीन फोर एंड थ्री। तो यहाँ पर यदि हम निकालें एनवे सेकंड में चली गई दूरी, तो कैसे निकलेगा? देखिए, उसको हम प्रदर्शित कर देते हैं। सपोज एस एन से, एस एन या सीधा संकेतों को तो आप रहने दो, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं क्योंकि संकेत इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। एनवे सेकंड में चली गई दूरी एस एन माइनस एस एन माइनस वन, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। एनवे सेकंड में चली गई दूरी बराबर एन सेकंड में चली गई दूरी माइनस एन माइनस वन सेकंड में चली गई दूरी। तो गति का द्वितीय समीकरण हम यहाँ पर लगाएंगे, जो हमने पढ़ा है ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर हमने समय को एन लिया हुआ है तो एन लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यू एन प्लस वन अपॉइंट टू ए एन स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये हो जाएगा यू एन माइनस वन प्लस वन अपॉइंट टू ए एन माइनस वन का स्क्वायर, ये टी, यू टी प्लस हाफ ए, सॉरी टी तो यही हो गया ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एन माइनस वन के लिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, यू एन प्लस वन अपॉइंट टू ए एन स्क्वायर माइनस, इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो यू एन माइनस यू प्लस इसका वन अपॉइंट टू, और इसका क्या कर रहा हूँ मैं पूर्ण वर्ग करके इसका, चलो एक बार लिख देता हूँ, इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए एन स्क्वायर माइनस टू ए एन और प्लस ए का मल्टीप्लाई हो रहा है ए, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से विस्तार किया और ए का सब में मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इक्वल यू एन प्लस वन अपॉइंट टू ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वन अपॉइंट टू ए एन स्क्वायर, ये माइनस टू टू कट जाएगा माइनस ए एन, ये हो जाएगा ये ए बाई टू, क्लियर? दैट इक्वल, इसको ओपन करें यू एन प्लस वन अपॉइंट टू ए एन स्क्वायर माइनस माइनस यू एन प्लस यू माइनस वन अपॉइंट टू ए एन स्क्वायर, सब चीज बदल रहा है, प्लस ए एन माइनस ए बाई टू। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, कौन किन के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए बहुत सारे कट जाएंगे, यू एन यू एन से कट जाएगा, ये इसके साथ कट गया और आप बच गया केवल इतना, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं दैट इक्वल, यहाँ से बचा हुआ है क्या, यू प्लस ए एन माइनस ए बाई टू, दैट इक्वल यू प्लस, यहाँ से यदि हम ए बाई टू को कॉमन कर लें, ए बाई टू को कॉमन, ए कॉमन करेंगे तो एन बचेगा और नीचे से टू कॉमन किया तो टू मल्टीप्लाई आएगा तो टू एन, ये तो कॉमन हो गया तो माइनस वन,
ये हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, मतलब एनवे सेकंड में चली गई दूरी u प्लस वो ए अपॉइंट टू टू एन माइनस वन। तो एनवे सेकंड में चली गई दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जैसे किसी न्यूमेरिकल में बोले सातवें सेकंड में चली गई, आठवें सेकंड में, वे जैसे बोला तो आप समझ जाना है कि ये वाला सूत्र लगेगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये सूत्र और ये सूत्र में कन्फ्यूजन होता है। ये कौन सा सूत्र है? टी सेकंड में चली गई दूरी, टी सेकंड में, और ये है एनवे सेकंड में चली गई दूरी। तो दोनों में डिफरेंस को समझना, कहाँ पर कौन सा फार्मूला हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया ये सरल रेखा में गति। और अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हमारा टू डायमेंशन मोशन स्टार्ट होगा, द्विमीय गति, समतल में गति स्टार्ट होगा। इसके न्यूमेरिकल्स में जब आपको कराऊंगा तो उससे पहले ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो। अदरवाइज मैं जब भी इसके न्यूमेरिकल्स के वीडियो अपलोड करूँगा और आप इसको नहीं किए रहेंगे चैप्टर को ढंग से, तो आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। वहाँ पर मैं आपेक्षिक वेग के कुछ और कंडीशन स्पेशल न्यूमेरिकल के लिए कराऊंगा। ओके, थैंक यू।